भूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी 10 खबरें आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में बदमाशों ने AN-94 राइफल का इस्तेमाल किया था। हमले वाली जगह से जांच टीम को AN-94 को 3 गोलियां यहां पर खोके मिले हैं। यह पहली बार है जब बदमाशों ने पंजाब में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए इस बंदूक का इस्तेमाल किया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके पिता ने पंजाब सरकार को एक चिट्ठी लिखकर इस वारदात की CBI या फिर NIA से जांच करवाने की मांग की है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद खबर है कि पंजाब पुलिस बहुत जल्द ही लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है और उसे पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल से पंजाब लाया जा सकता है। मूसेवाला पर एक दिन पहले हुए हमले का एक CCTV वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में फायरिंग की आवाज सुनाई देने के बाद लोग भागते हुए नजर आए। सिद्धू मूसेवाला पर बदमाशों ने 30 राउंड गोलियां चलाई जिसमें उनकी गाड़ी के अंदर ही मौत हो गई। ये हमला कितना भयानक था इसका अंदाजा उनकी गाड़ी को देखकर लगाया जा सकता है। उनकी गाड़ी में कई गोलियों के निशान हैं जबकि कांच भी बिखरा हुआ दिखाई दिया। हत्या के बाद बदमाशों को पकड़ने के लिए जांच तेज कर दी गई। सबूतों को इकट्ठा करने के लिए आज सुबह से ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट गाड़ी की जांच करने पहुंचे और बारीकी से मूसेवाला की गाड़ी की जांच की गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया जांच में उसकी नंबर प्लेट भी फर्जी पाई गई। बताया गया कि जिस वक्त मूसेवाला की गाड़ी पर हमला हुआ उस वक्त गाड़ी पर दिल्ली नंबर की प्लेट लगी हुई थी।